अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उमर मलिक टैग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका भाई एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हाज़िर हुआ है। एक सुजुकी GS 150 मेरे पास आई है, टूरिंग की ही बाइक है, मतलब टूर पे इस्तेमाल होती रही है। और उससे पहले वो वायरिंग का काम जहाँ से करवाते रहे और किस किस तरीके से जुगाड़े हुई हैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। और आफ्टर मार्केट जो वो आप चीज़ें इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसे मैं किस तरीके से इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आज आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अच्छा, इस ये बाइक है जनाब, देख लें आप, इसके बारे में भी मैं बता दूँ क्या वायरिंग का हाल हुआ हुआ है। और उसके बाद इसमें जो है ना, ये इस तरह की असेंबली इंस्टॉल कर रहे हैं। किल स्विच भी है, हैज़र्ड भी है, इसमें डिपर भी है और हॉर्न का और इंडिकेटर के लिए राइट लेफ्ट और ये हाई बीम और लो बीम का भी है। तो ये है कि इसमें जो है क्लिप जो आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं, सही है। इसमें क्लिप इस तरह के आते हैं, ये मैंने काट दिए हैं बिल्कुल। और इसमें जो इंस्टॉल किए हैं, इसमें मैंने इंस्टॉल किए हैं वो ये वाले क्लिप इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। इसमें कोई काट के मैंने वायरिंग कोई टेपिंग ज्वाइन नहीं किया, बल्कि इनको प्रॉपरली थिम्बल जो है ना, क्लैम्प जो वो प्लायर होता है उससे प्रॉपरली पंच करके फिर इसमें इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा ज्वाइन नहीं है जी। इसमें सुजुकी GS 150 की जो बिल्कुल न्यू वायरिंग आती है, टोयो कंपनी की है, काफ़ी अच्छी वायरिंग है। काफ़ी सारी बाइक्स में मैं इन्हें इस वायरिंग को इंस्टॉल कर चुका हूँ तो अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं आई उसमें। अच्छे गेज की बनी हुई है, तकरीबन 2000 रुपये की अब है मार्केट में अवेलेबल, या 2200 रुपये की, ठीक है। और ये जो असेंबलीज हैं ये तकरीबन 2800 रुपये की भाई ने परचेज़ की है, ठीक है। उसके अलावा भाई ये एक 900 रुपये की LED लाइट लेके आए हैं जिसके पीछे फ़ैन लगा हुआ है। मैं तो इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता, ज़ोनाडो इज़ द बेस्ट लाइट। और ये जो उसकी कुछ वायर्स हैं, इंशाल्लाह इसको भी हम एक थिम्बल इसके काट के ना प्रॉपरली जो इसके क्लिप में बैठ जाए वो वाले थिम्बल्स यूज़ करेंगे और कोई भी कटिंग या टेपिंग यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, तकरीबन 20 वॉट की ये लाइट है और 1.2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर लेती है ये, जो कि इसकी स्टॉक वायरिंग पे चल जाएगी ये लाइट। इसकी बैटरी से शुरू करते हैं, सुजुकी की जेन्युइन बैटरी लगी हुई है। अब इसमें जान तो पूरी हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है इसकी जान, तो इसमें न्यू बैटरी भी इंस्टॉल करेंगे। और बाकी इसमें इतना रस्ट लगा हुआ था जिसकी वजह से ये कनेक्टर जस्ट हल्का सा इसका बोल्ट खोलने के लिए दो लगाया तो ये टूट गया, तो इसमें बैटरी भी इंस्टॉल करनी है। बाकी इसकी वायरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें पूरा, अभी मैंने इस पर WD-40 मार के इसको थोड़ा फ्रेश किया है। और ये कुछ इस तरह की वायरिंग है, ये काट के जो ये पल्सर की वायर है काट के यहाँ डायरेक्ट CDI में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह की इसकी हालत है। सारे क्लिप्स, ये जो मैग्नेट कॉइल के वायर है वो भी डायरेक्ट काट के टिपिंग की हुई है, कोई क्लिप नहीं है। और इसके जो आपके ये लेफ्ट साइड की असेंबली का है, ये राइट साइड की असेंबली के वायर जो है क्लिप काट के डायरेक्ट जो है वायरिंग टिपिंग की हुई है, ठीक है। ये सारे हम क्लिप टू क्लिप करेंगे। और फ्रंट से मैंने अभी हेडलाइट खोली है तो उसके वायरिंग सारी मैंने खोल दी है, तो इंशाल्लाह ये भी काट के जो है प्रॉपरली इसको भी असेंबल करेंगे। तो इंशाल्लाह ये देखिए सारे इसके क्लिप कटे हुए हैं। और ये पता नहीं क्यों रिले लगाई हुई है, इधर क्या काम है, कोई डायरेक्ट वायर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये मडगार्ड भी इसका चेंज करेंगे, ये भी पूरा कम्प्लीट इसका फटा हुआ है बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि जो ये कस्टमर मेरे पास आया है, काफ़ी अरसे से मुझसे बात कर रहा था कि यार वायरिंग चेंज करनी है। जिस वक्त मैंने खोली तो यकीन जानिए इसकी हालत ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकता। अभी तो मैंने कुछ वायर्स वगैरह अलहदा कर दिए, बट मैंने उन साहब को बता दिया, इंशाल्लाह उनका रिव्यू भी लेंगे, काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं मेरे। तो ये इस हिसाब से ना, मतलब आपकी अगर चीज़ है, बाइक है आपकी,
ठीक है, आपकी मलकियत है या आप ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं तो इसकी ख़ुद भी केयर करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए इसकी सीट हटा के, नट बोल्ट चेक करने चाहिए, ये ख़ुद भी मतलब आपको इसमें केयरिंग करनी चाहिए, तब ये बाइक आपका भरपूर साथ देती है। वायरिंग सारी मैंने निकाल दी है, ये देखें, वो फेंक दिए उठा के सारी पुरानी वायरिंग। तो इंशाल्लाह ये मैं दिखा देता हूँ कि इसके जो है हमने जो कॉइल से वायर आ रहे हैं इस पर थिम्बल लगा के प्रॉपर क्लिप करना है, और ये चार्जर के जो वायर्स हैं इनको प्रॉपर क्लिप करके यहाँ पे क्लिप लगाना है, और पूरी वायरिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इस क्लिप्स को जो जिनकी वायरिंग खाली टेपिंग हुई हुई थी, डायरेक्ट कनेक्ट की हुई थी, अब इसको जो है ना हम इसके ऊपर क्लिप लगाएंगे। ये थिम्बल जो है हमने प्रॉपरली इसको कर दी है पंच, अब इसके ऊपर क्लिप लगा के ताकि इसकी जेन्युइन वायरिंग के साथ क्लिप टू क्लिप ये वायर हो सके। ये देखिए इसका ये क्लिप थिम्बल जो है मैंने इस क्लिप के अंदर डाल दिए, अब ये प्रॉपरली इसके साथ क्लिप टू क्लिप कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास कस्टमर्स के आने का मकसद ही यही होता है कि जो उनकी वायरिंग में जुगाड़ियाँ हुई हुई होती हैं उसे जेन्युइन कंडीशन में लेके आना। कि ये इसका रिएक्टिफायर है, ठीक है, इस पर कोई क्लिप नहीं था, जेन्युइन वायरिंग लगा रहे थे। तो अमूमन क्या करते हैं इलेक्ट्रिशियंस के, वो इन क्लिप को भी काट देते हैं और डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने इन क्लिप को काटने के बजाय मैंने प्रॉपर न्यूली क्लिप पंच करके लगा दिया, अब ये जेन्युइन तरीके से इस जेन्युइन वायरिंग पे क्लिप टू क्लिप लग जाएगा बआसानी। ऐसे ही काफ़ी सारे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं सारे दिखाऊंगा तो एक ही दफ़ा पूरा कंप्लीट रिव्यू बना दूंगा। तो इस तरीके से ये मैं वायरिंग करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा जो है क्लिप पल्सर के भी और हमारा जो करंट कॉइल होता है उसका भी क्लिप इंस्टॉल मैंने कर दिया, ये भी नहीं था इसमें, कटा हुआ था, तो ये अब इस जगह आ जाएगा। सही है, अब इंशाल्लाह वायरिंग ऑलमोस्ट जो इसकी सीधी करनी थी वो मैंने कर दी है, अब जो है नई वायरिंग इसमें इंस्टॉल करते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स, इसमें जो फ्यूज़ आता है वो ये कैप्सूल वाला आता है, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया है और ये मैंने गाड़ी वाला लगाया है, ठीक है, ये मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे फ्यूज़ लग जाएगा, और ये देखिए आप कि वायर में ना मैंने ज्वाइंट नहीं लगाया, इसके थिम्बल काट के डायरेक्ट वायर लगाया है, कि ज्वाइंट जो है ना आप वायरिंग में कम से कम करवाएं, तो ये अब जेन्युइन काम हो गया है, ठीक है। ये इधर क्लिप करके डायरेक्ट इस फ्यूज़ बॉक्स के अंदर वायर आ गया है, उसको क्लिप कर दिया, तो इस तरीके से लगाया, कोई भी वायर मतलब ज्वाइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसका मडगार्ड भी जो है वो सारा टूटा हुआ था, तो न्यू मडगार्ड आ गया है, और अब इसमें हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं समन बॉन्ड, ताकि इसकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए और इस पर इतनी जल्दी जंग ना लगे। तो ये समट बॉन्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसकी इंटरनल वाली साइड पे जो है एक लेयर लगा रहा हूँ समट बॉन्ड की। तो जनाब, इस बाइक का काम कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह अब इसका कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सारी डिटेल रिव्यू जो है वो देता हूँ, इसमें हमने किया क्या क्या है। इसमें ये देखें, पूरी वायरिंग हमने इसकी चेंज कर दी है, इसमें दो ये असेंबलीज लगाई हैं, ठीक है, और इसकी वायरिंग में आपको दिखाऊं तो इसमें, अच्छा, हमने हेडलाइट भी जो स्टॉक आती है ना सुजुकी GS150 की, वो इसमें इंस्टॉल की है, और उसमें ये LED बल्ब लगाया है, और वायरिंग आप देखें किस तरीके से कस्टमाइज़ की है, ये सारी आके अब आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा। और ये क्लिप्स जो हैं ये इसके जो ये आफ्टर मार्केट असम्बलीज आती हैं उसके बिल्कुल ऐसे लगाए हैं जैसे सुजुकी GS150 के होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी इनके दो हॉर्न लगे हुए थे, ये और एक वो सामने आप देखें, इसकी एक रिले लगाई है, रिले इस साइड पे लगा दी है, ठीक है, और बाकी ये इनके क्लिप्स ख़त्म थे बिल्कुल, यानी इधर डायरेक्ट कनेक्शन हुए थे, तो ये दो पल्सर के और ये कॉइल कड़े के ये क्लिप लगा दिए, और ये चार्जर के क्लिप्स भी अवेलेबल नहीं थे, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव और तीन कॉइल कड़े के
क्लिप्स लगा दिए हैं, और इसमें मडगार्ड भी हमने नया डाल दिया है बिल्कुल, ठीक है। और इसके साथ फ्यूज़ का लाजमी इस्तेमाल किया है मैंने, ये जो वायर लेके गया हूँ ना डायरेक्ट बैटरी से हॉर्न की रिले के लिए, तो इधर मैंने फ्यूज़ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और ये बटन इंस्टॉल किए हैं, और इसके अलावा हमने ये लाइट्स वगैरह की कनेक्शन दोबारा से किए हैं, ठीक है। और अभी जस्ट वो बैटरी नहीं थी, वरना मैं ये सारी चीज़ें आपको ऑन करके दिखाता। अभी बैटरी लेने गए, इंशाल्लाह बैटरी आ जाए तो ये सारी चीज़ें ऑन करके रिव्यू करवाता हूँ जी। तो गाइस बैटरी लेके आ गए, ये अरहम सही है, इनकी बाइक है, नए आया थी, ठंडे बंदे, बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने सामान लाने में, बताओ क्यों लगाया टाइम यार, वो हो गए थोड़ी देर अच्छा तो भाई ये बैटरी लग चुकी है और अब इसका रिव्यू करवाते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने ये LED लाइट्स जो है ना मीटर में ये डाली हैं, अभी रोशनी ज़्यादा है तो इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा होगा, ये देखिए काफ़ी तेज़ है। और इसका फंक्शन दिखा दें, ये चारों हैज़र्ड जो है इससे मतलब चारों इंडिकेटर जल रहे हैं, ये आगे के और ये पीछे के, ठीक है। और इसमें डिपर का ऑप्शन है, ये दबाएंगे ऐसे, ये सामने डिपर, ठीक है। और राइट लेफ्ट इंडिकेटर बड़े अच्छे बटन है, ये हॉर्न लगाया है, ठीक है। अच्छा, इस बटन के साथ जो है ना इस LED लाइट का जो है एक डिपर आता है कि इसको प्रेस किया इस तरीके से लाइट करती है, ये देखें ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, इस असेंबली में एक और ख़ास बात यह है कि यह अभी किल स्विच बंद है ना, तो आपका सेल्फ काम नहीं करेगा। जेन्युइन असेंबली में जो है आपका बंद भी हो किल स्विच, फिर भी आपका सेल्फ ले रही होती है गाड़ी, जब आप इसे ऑन करेंगे ना फिर ये सेल्फ लेगी। तो ये इस तरीके से, तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें थी जो कि इसमें इंस्टॉल की, पूरी वायरिंग चेंज की। चलें रिव्यू लेते हैं ये अरहम भाई से कि इनको काम कैसा लगा। भाई बताओ कैसा लगा काम? काम बड़ा बेहतरीन था हुआ है यार, बहुत बुरी हालत हुई हुई थी, मैंने देखी आगे जब, तो सारे क्लिप्स वगैरह सब कटे हुए थे। अभी वो मैंने दिखाया सारी वायरिंग वायरिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त की इन्होंने, मैंने चेक किया सब कुछ बहुत बहुत सीधा हो गया। मतलब बाहर के मैकेनिक्स को दिखा दिखा के, इलेक्ट्रिशियन को दिखा दिखा के, वो क्या करते थे तार काट के वहीं पर ही एक LED लगा दी या कहीं से भी, यही कराया था उमर भाई बाहर से, जिस वजह से ये हालत हुई। और बहुत टाइम से काम नहीं यार, वो मेरे अलावा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। नहीं उमर भाई ये बात नहीं है कि काम करते हैं, सही बात है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो सिर्फ काम पेलते हैं। ये भी है, तो चले वेल अगर जी। तो गाइज ये था रिव्यू अरहम भाई की बाइक का, काम किया। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।